हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में संख्या पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसको ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से भी, दोनों से भी हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 14 है तथा उसका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को प्रोसेस और ट्रिक से दोनों से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस से बना के सिखाते हैं, इसके बाद दोस्तों इसको ट्रिक से करेंगे कि 5 सेकंड के अंदर आप ट्रिक से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रोसेस से समझिए। क्या दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 14 है। तो इसमें दोस्तों अभी दो संख्या पता नहीं है कि कौन दो संख्या है। तो चलिए मानते हैं, पहली संख्या जो होगा दोस्तों, पहली संख्या को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या को दोस्तों इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। अभी तो पता नहीं है कि दो संख्या क्या है, इसका योग दोस्तों क्या दिया है, 14 दिया है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ये मान लिए, तो इसका योग दिया है दोस्तों 14। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, यही दिया हुआ है दो संख्याओं का योग। इसको दोस्तों समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा उसका अंतर 6 है, यानी कि इस संख्या का अंतर 6 दिया है। तो दोस्तों, संख्या क्या माने हैं अभी, x और y माने हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इसको प्रोसेस से बनाते हैं सबसे पहले। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 14 प्लस 6 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, और 2 जो गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, 20/2 यानी कि 10। तो दोस्तों, x का मान क्या निकल गया, 10, यानी कि एक संख्या दोस्तों 10 होगा। और यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का योग 14 है, तो एक 10 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, यानी कि 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। और तथा उसका अंतर 6 है, और 10 और 4 का अंतर 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्या का बोल रहा है कि अंतर 6 है, तो 10 और 4 का अंतर 6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या इसका 10 हो जाएगा और छोटी संख्या 4 हो जाएगा। इसको प्रोसेस से इस प्रकार से बनाएंगे। और दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए दिया हुआ है कि दो संख्या का योग 14 है तथा उसका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब दोस्तों बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, ये बड़ी संख्या निकल जाएगी, यानी कि 14 को और 6 को जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो बड़ी संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 14 6 20 और बट्टा 2, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको दोस्तों ट्रिक से इस प्रकार से बनाएंगे कि दोनों को जोड़ करके और बट्टा 2 कर देंगे, यही दोस्तों आपको बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ट्रिक से सिर्फ 5 सेकंड में निकल गया कि बड़ी संख्या 10 आ जाएगा, ठीक है, इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक दो प्रश्न और हल करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 18 है तथा अंतर 4 है तो छोटी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों, इसको प्रोसेस से आपको बनाना बता दिया, आप प्रोसेस से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये बताते हैं। जैसे ही दोस्तों देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, ठीक है, यानी कि योग को और अंतर को दोनों को जोड़ देते थे। लेकिन छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस योग में से इस अंतर को घटा देंगे, ठीक है, यानी 18 में से 4 को घटा देंगे, 18 माइनस 4 कर देंगे और बट्टा दोस्तों 2 कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो निकल के आएगा वही छोटी संख्या हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं, 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा बट्टा 2। अब 14 को 2 से काटी तो क्या निकल जाएगा, 7, यानी कि 7 हो गया, ये छोटी संख्या निकल गया दोस्तों। देखिए, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 18 और 4 को जोड़ेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 18 और 4 हो जाएगा 22 और बट्टा 2 कर देंगे। अब 2 से काटिए 22 को तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में, 11, यानी बड़ी संख्या 11 हो गया और छोटी संख्या 7 हो गया। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है। अब दोनों को जोड़ने के बाद देखिए, 18 पूर रहा है तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, तथा अंतर 4 है। अब दोनों का अंतर दोस्तों देखिए, 11 और 7 का अंतर, यानी 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है कि तो छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए, 11 और 7 में छोटी संख्या 7 होगा, तो यही दोस्तों छोटी संख्या निकल के आया है 7। तो दोस्तों, इसको ट्रिक से इसी प्रकार से निकालेंगे सिर्फ एक लाइन के अंदर, ठीक है। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को आप उसी प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 25 है
और उसका अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात करें। इसमें दोस्तों ना बड़ी दिया है ना छोटी दिया है, ठीक है, इसमें आपको संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या दोस्तों इसमें ज्ञात करना है, बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी। तो बड़ी संख्या सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर इस योग को, योग जितना दिया है उसको, और अंतर दोनों को जोड़ दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिएगा, जो निकल के आएगा दोस्तों यही बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 25 और 5 को जोड़ दीजिए और बट्टा 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30/2। अब 30 को दोस्तों 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों बड़ी संख्या 15 निकल के आ गया। तो दोस्तों इसको यहाँ से भी बता सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या 15 हो जाएगा तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि दो संख्या को जोड़ने के बाद 25 है तो छोटी संख्या 10 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको निकालते हैं सबसे पहले छोटी संख्या में, कैसे निकालेंगे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, छोटी संख्या बराबर देखिए योग में से अंतर को घटा देंगे, ठीक है, तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों 25-5 कर देंगे और बट्टा क्या करेंगे 2 कर देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा, तो क्या होगा 20/2। 20 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बार में कटेगा। तो दोस्तों छोटी संख्या 10 निकल के आ गया और बड़ी संख्या 15 निकल के आ गया। तो दोस्तों यही बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, तो दो संख्या को योग यानी दोनों संख्या को जोड़िए दोस्तों तो 25 हो जाता है। तो देखिए 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 हो जा रहा है और उसका अंतर 5 है। तो देखिए 15 और 10 में अंतर कितना का है 5 है, तो संख्या निकालेंगे दोस्तों तो संख्या यही हो जाएगा, एक संख्या 15 और दूसरी संख्या 10। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न को आप इसी प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।